प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान के तहत देश भर में व्याप्त अपने हजारों समर्थकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सीधा संवाद किया। इस दौरान कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से भी एक शिक्षिका शकुंतला सिंह परिहार को सवाल पूछने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार को रोकने का सवाल पूछा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में समर्थकों को संबोधित किया। इस क्रम में मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर सहित कई शहरों में पीएम मोदी के कार्यक्रम से लोग सीधे जुड़े। कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र ग्वालियर की शिक्षिका शकुंतला सिंह परिहार ने प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार रोकने पर सवाल किया, जिसका पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक देश का सबसे बड़ा चौकीदार होता है। उन्होंने कहा, 2014 चुनाव के दौरान मैंने लोगों से कहा था कि आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब आप एक चौकीदार बैठा रहे हैं। देश का सामान्य आदमी टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। देश को लूटने वाले बचेंगे नहीं। मतलब कि आप एक चौकीदार उठा रहे हैं। और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है। ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है चौकीदार, न ही कोई चौखट में बंधा हुआ है चौकीदार, एक स्पिरिट है, एक भावना। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते, गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। हमारे बीच में हमारे यशस्वी नेता मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी हमारे मध्य आ चुके हैं। मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में ग्वालियर को तीसरे नंबर पर ही सवाल का अवसर मिला। ग्वालियर से नमो ऐप से जुड़ी निजी स्कूल संचालक व शिक्षिका शकुंतला परिहार को सवाल पूछने के लिए चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।